అభివృద్ధిని ఓర్వలేకనే మోడీని చంపేందుకు కుట్ర చేస్తున్నారని ఆరోపించారు బీజేపీ నేతలు. భీమా కోరేగావ్లో బయటపడ్డ మావోయిస్టు లేఖపై స్పందించిన లీడర్లంతా కుట్ర కోణంపై మండిపడుతూ ఉన్నారు. వచ్చే ఎన్నికల్లో మోడీకి ఎదురు లేదని, అందుకే చంపేందుకైనా వెనకాడడం లేదు అనడానికి మావోయిస్టు లేఖనే రుజువన్నారు. కుట్ర కోణంపై లోతైన దర్యాప్తు జరగాలని, ప్రధాని రక్షణ వ్యవహారాల్ని మరింత పటిష్టం చేయాలన్నారు బీజేపీ నేత సుబ్రహ్మణ్య స్వామి. न केवल हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो शख्सियत है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो अमन को, दुनिया के अमन को लेकर, इंसानी मूल्यों को लेकर के, शांति और सौहार्द को लेकर के जो उनका संकल्प है, उसके साथ खड़ी हुई है. इस तरह की जो हताश, निराश और मानसिक रूप से दिवालियेपन के कगार पर खड़ी हुई कुछ ताकतें हैं, शैतानी ताकतें, वो उनकी ये जो सारी चीज़ें हैं वो हताशा और निराशा का प्रतीक है. लेकिन अनफॉर्चुनेटली उससे भी ज़्यादा शर्मनाक और दुख की बात है कि कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के कुछ और साथी इतने गंभीर और इतने संवेदनशील मुद्दे पर भी सियासत करने से बाज नहीं आ रहे हैं. ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर कम से कम इस तरह के गैर जिम्मेदाराना, इस तरह के हल्के, इस तरह के शर्मनाक बातों को कांग्रेस पार्टी को करने से बचना भी चाहिए. माओवादी संगठन, नक्सलवादी संगठन प्रधानमंत्री जी को धमकी दे रहे हैं, ये धिक्कारजनक बात है, निशेजनक बात है. और अपने देश के प्रधानमंत्री पूरे समाज को एक साथ लेकर आगे चलने की कोशिश कर रहे हैं, सभी लोगों को एक साथ लेकर आगे बढ़ने की कोशिश अगर प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, इस देश के गरीबों को न्याय देने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे प्रधानमंत्री को धमकी देना ये बहुत बड़ी गंभीर बात है. और हमारे प्रधानमंत्री ईंट का जवाब पत्थर से देने वाले हैं, वो कोई ऐसे धमकी को डरने वाले तो नहीं है. लेकिन ऐसे नक्सलवादी लोगों ने अपना मार्ग छोड़ना चाहिए, मतलब वो उन्होंने मेन स्ट्रीम में आना चाहिए. और इसी तरह की हिंसक घटनाओं से कोई दलितों को, आदिवासियों को न्याय मिलने वाला तो नहीं है. स्वर्गीय राजीव गांधी जी की तरह उनकी हत्या का षड्यंत्र कुछ लोगों ने रचा है, उसका पत्र देख करके मुझे बहुत ज़्यादा पीड़ा, वेदना भी हुई. और यहाँ अत्यंत गंभीर मामला है, इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता. इसलिए मैं स्वयं यह आह्वान करता हूँ सरकार से कि इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए. और सभी राजनीतिक दलों से भी मैं आह्वान करूँगा कि दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके इसकी जब तक पूरी तहकीकात नहीं हो जाती, जब तक सच्चाई पूरी उजगार नहीं हो जाती, तब तक इसके ऊपर सब राजनीतिक दलों को भी दबाव डालना चाहिए कि सरकार इसकी उच्च स्तरीय जांच करवाए. यू सी, पूना पुलिस इज वेरी इफिशिएंट, बट दे हैव आल्सो अदर ड्यूटीज, लॉ एंड ऑर्डर सो ऑन, बट वी हैव स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हु आर सपोज्ड टू डील विद इट. सो आई कॉल्ड अप the National Security Advisor today, Mr. Doval. I said, you are the senior most person in the matter of national security. Therefore, you must form a multi monitoring agency or a multi-agency for monitoring. And in that, you should include NIA, CBI, IB, RAW, all, and get to this whole bottom of it. Because it is a very, very sinister thing, and since the Congress Party is also involved in the or being named now, therefore I think it's something that we should not take it lightly.